हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो इन तक देखे, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट टू डू इफ यू गाइस आर थिंकिंग और प्लानिंग टू मूव और रिलोकेट टू यूके। इंग्लैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विच ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ। यहाँ जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे फ्रेंड सर्किल्स के एक्सपीरियंस और इंटरनेट पे अवेलेबल सोर्स पे बेस्ड है। पहले तो आप ये समझ लें कि क्या ड्राइविंग फैक्टर है आपके इस डिसीजन का कि मूव करना है यूके। हियर आर सम ऑफ द रीजन विच आई पर्सनली थिंक ऑफ। इफ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग गुड क्वालिटी हायर एजुकेशन विच कैन गिव यू गुड जॉब्स और यू एंड हेल्प यू इन रिसर्च। यूके इज फुल ऑफ एक्सलेंट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज विच मेक्स यूके अ ग्रेट प्लेस फॉर स्टूडेंट एंड इवेंचुअली टू सेटल डाउन। और यहाँ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और ये हेल्प करता है उनके लिविंग को मैनेज करने में। एंड इफ यू आर वर्किंग ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल देन यू मस्ट बी लुकिंग फॉर अ हायर पे और गेट मोर मनी। सेकेंडली यू मस्ट बी लुकिंग फॉर ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस। एंड thirdly you must be looking for a higher standard of living. UK will give you all of these. Last but not least you must be looking for to secure a good future for your children. And here child education is very good and world class. अब बात आती है कि क्या करना चाहिए, what to do in order to move to UK. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढने होंगे। एंड देर आर लिस्ट ऑफ वेबसाइट लाइक इंडीड, रीड, मॉन्स्टर। आई विल पुट एवरीथिंग इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जॉब देख सकते हैं। लिंक्डइन इज द बेस्ट सोर्स। यहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड अ जॉब एक यूके गवर्नमेंट की साइट है, वहाँ पे भी आप ढूंढ कर अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप कंपनीज के करियर पेज पे डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं उन सारी कंपनियों के लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो जॉब स्पॉन्सर्स ऑफर करते हैं। दूसरी चीज है कि आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर ले कि कौन सी वीजा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी वीजा स्पॉन्सर्ड होती है और एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है आपके स्किल्स, क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह पे। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देख ले, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी देख ले और प्रिपेयर रखें सारे डॉक्यूमेंट्स। और आती है बात वीजा का कॉस्ट की, वो भी आप समझ ले, क्योंकि मोस्टली कंपनी तो करती है वीजा कॉस्ट बियर करती है, बट आपको ऐसे सिचुएशन में मिलेगी जहाँ कंपनी बियर नहीं करेगी वीजा कॉस्ट। जैसे कि आप अगर स्पाउस को ला रहे हैं यहाँ पे, स्पाउस यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्पाउस यहाँ पे वर्क कर सकती है डिपेंडेंट वीजा पे, तो आप जब स्पाउस को लाते हैं तो जो वीजा कॉस्ट होता है बहुत सारी कंपनियां बियर नहीं करती है, तो आप ये कॉस्ट देख लें और प्रिपेयर रहे। लास्ट जो मेन है वो है कि ये जरूर देखें कि जो वीजा आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेटलमेंट और परमानेंट रेसिडेंसी पीआर ऑफर कर रही है कि नहीं, क्योंकि इवेंचुअली मोस्टली लोगों को का यही डिसीजन होता है कि यहाँ सेटल डाउन होने के लिए, और वही वीजा आपको हेल्प करेगी जो कि सेटलमेंट और पीआर ऑफर करती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इनरोल कीजिए यहाँ की कोई भी यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं। स्टूडेंट वीजा पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। यूके गवर्नमेंट बहुत सारी वीजा इशू करती है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ये लॉन्ग टर्म वीजाज है जो कि 3+ इयर्स का इशू करती है। सारी टाइप
मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस रिलेवेंट वन को ही डिटेल में बता पाऊंगा। लॉन्ग टर्म में आती है स्किल्ड वर्कर, जो कि सबसे बेस्ट वीजा है, और मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल जो यहाँ सेटल होना चाहते हैं वो इसी पे आते हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर वर्क वीजा, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए होती है और वो उस वीजा पे आते हैं। ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीजा, जो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा है, जो मोस्टली जो सर्विस इंडियन आईटी इंडस्ट्री यूज करती है अपना इंटरनेशनल डेपुटेशन पे, यहाँ पे लोगों को भेजती है ताकि दूसरे कंपनी पे वो काम कर सके। इस वीजा का नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप 5 साल भी यहाँ स्टे कर गए तो सेटलमेंट और पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीजा आती है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन वीजा। अगर आपका जॉब विद इन फेथ कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल एज ए मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन और मिशनरी और मेंबर ऑफ रिलीजियस ऑर्डर और प्रेसिडेंट टेम्पल, तो ये वीजा आपको मिलेगा। नेक्स्ट आती है लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीजा। इफ यू आर एन इलाइट स्पोर्ट्स पर्सन और क्वालिफाइड कोच हु इज रिकॉग्नाइज्ड बाय योर स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, इन दिस केस अगर ये इंडिया की कोई बॉडी है, एज बीइंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर प्रोफेशनल इंटरनेशनली, तो आपको ये वीजा इशू हो सकती है। एक न्यू वीजा आई है, इंटरेस्टिंग वीजा है, स्केल ऑफ वर्कर वीजा। ये जो न्यू वीजा है ये अलाउ करती है टू कम टू यूके टू डू एन एलिजिबल जॉब फॉर ए फास्ट ग्रोइंग यूके बिजनेसेस, जो कि स्केल अप बिजनेसेस होती है, और इसका ग्रोथ रेट 20% से एवब होना चाहिए। लिस्ट में ये सारी जो कंपनियों का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो ये स्केल अप वीजा इशू कर सकती है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीजा है और ये बहुत इजी रूट कर देती है पीआर का और सेटलमेंट का। शॉर्ट टर्म वीजास कम समय के लिए मिलती है, मोस्टली इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की अंडर आती है। शॉर्ट टर्म वीजा में आते हैं टेम्प्रोरी वीजा, स्क्रीन पे आप से देख सकते हो लिस्ट ऑफ टेम्प्रोरी वीजा, जिसमें आता है चैरिटी वर्कर वीजा, क्रिएटिव वर्कर वीजा, गवर्नमेंट ऑथोराइज एक्सचेंज वीजा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट वीजा, रिलीजियस वर्कर वीजा, सीजनल वर्कर वीजा। सीजनल वर्कर वीजा में आप सीजनल वर्क के लिए आ सकते हो, लाइक पिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सर्विस सप्लायर वीजा। शॉर्ट टर्म में आती है ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी, जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है, जो कि इंडियन आईटी कंपनी यूज करती है शॉर्ट टर्म अपने वर्कर को आउट ऑफ इंडिया यूके भेजने का। ये जो वीजा है ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी और द टेम्प्रोरी, ये आपको पीआर रूट अलाउ नहीं करेगी। आपको पीआर रूट अगर लेना है शॉर्ट टर्म में तो आपको मिल सकती है ये ग्रेजुएट वीजा और हाई पोटेंशियल वीजा, इसमें आप पीआर रूट जा सकते हैं। हम आती है इन्वेस्टर बिजनेस डेवलपमेंट एंड टैलेंट वीजास। अगर आप हेवी इन्वेस्टर हैं और इनोवेटर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं तो ये वीजा आपके लिए। मोस्टली में 2 मिलियंस पाउंड अराउंड इन्वेस्ट करने होते हैं, या आपको मिनिमम जॉब्स क्रिएट करने होंगे तब आपको ये वीजास मिल सकती है, या आप एकेडमिया और रिसर्च आर्ट्स एंड कल्चर या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी में लीडर हैं तो आपको ये वीजा मिल सकती है। बट आपको इंडोर्समेंट प्रूफ करनी होगी कि आप लीडर हैं, तभी आपको ये ग्लोबल टैलेंट वीजा मिल सकती है। और इन सब में स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होती है, बस आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इम्प्लॉयर जो वीजा स्पॉन्सर करते हैं उन्हें स्पॉन्सर लाइसेंस लेने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट होती है और इतना कॉस्ट होता है, और ये सब वर्क सब कैटेगरीज है लाइसेंस के, और वो असाइन करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप टू द पर्सन हु इज गेटिंग द वीजा, और इस COS को लेकर पर्सन कैन अप्लाई फॉर द वीजा ऑन UKVI साइट। ये सारी वीजा टाइप है जिसमें स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है।
और ये सारी वीजा टाइप है जिसमें स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर एलिजिबल। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा, जो कि बेस्ट वीजा है सेटलमेंट के लिए और मोस्ट ऑफ द आईटी प्रोफेशनल इस पे आते हैं। यूके इमिग्रेशन फॉलो करती है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंडर अगर आप यूके में वर्क के लिए आते हैं तो आपको मीट करने होंगे सर्टेन रिक्वायरमेंट, जो कि आपको एक स्कोर करेगी पॉइंट्स, और आपकी जितनी ज़्यादा पॉइंट होगी उसके हिसाब से वीज़ा अवार्ड किया जाएगा। प्राइमरी वीज़ा रूट विच फॉल्स अंडर द पॉइंट बेस्ड सिस्टम इज दिस वन, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, एंड टोटल 70 पॉइंट्स इज नीडेड टू बी एबल टू अप्लाई फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा। आगे बताएंगे वो 70 पॉइंट्स कैसे मिले। 70 पॉइंट्स आपको मस्ट स्कोर करने हैं इस वीजा के लिए। 20 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जॉब ऑफर से, इंग्लिश लेवल का नॉलेज से 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और आपके स्किल लेवल जो कि जॉब का मिनिमम स्किल लेवल होता है उससे मिल जाते हैं आपको 20 पॉइंट्स। दीज आर नॉन ट्रेडेबल पॉइंट्स, और 20 ट्रेडेबल पॉइंट्स होती है। ट्रेडेबल पॉइंट मीन्स ये आपको डिपेंड करते हैं आपके सैलरी पे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। अगर आपकी सैलरी जो थ्रेशोल्ड मिनिमम सैलरी है दैट इज 25,600, और जो गोइंग रेट जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा है तो आप स्कोर कर सकते हो 20 पॉइंट्स। अगर उससे कम है तो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेगी। अगर आपका जो जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आपको ये 20 पॉइंट्स मिलेगी। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगी। मैं यहाँ एग्जांपल भी दे रहा हूँ ताकि आप स्कोरिंग अच्छे से समझ सकें। अब बात आती है नॉलेज ऑफ इंग्लिश कैसे प्रूव करें। दो ऑप्शंस हैं नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूव करने के। पहला ऑप्शन है कि सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना अप्रूव प्रोवाइडर के द्वारा। आप अगर यूके में हैं तो आप SELT दे सकते हैं, ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है उन प्रोवाइडर के यहाँ। अगर आप आउटसाइड यूके हैं तो आप SELT दे सकते हैं ये जो प्रोवाइडर्स हैं इनके साइट से, PSI सर्विसेज और IELTS और लैंग्वेज सर्ट और पियर्सन। दूसरा है एक डिश जो कि पहले यूके नारिक था उसके थ्रू प्रूव करना नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर आपका जो डिग्री लेवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंग्लिश में पढ़ाई गई हो तो एक डिश के साइट पे वीजाज एंड नेशनलिटी सर्विसेज फॉर इंग्लिश प्रोफिशियंसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट। और अगर आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, जो कि कंफर्म करता है कि जो आपका डिग्री प्रोग्राम है वो इंग्लिश में हुआ था। आप अप्लाई करने के बाद डिलीवरी मेथड चूज कर सकते हैं, आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं या ई स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। प्रोसेसिंग 3 वीक लगता है अगर आप आउटसाइड यूके हैं, और अगर इनसाइड यूके हैं तो आपको 8 वीक लगेंगे। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल है जो कि आपको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से इजीली अप्लाई करने पे मिल जाएंगे। अब बात आती है स्किल्ड वर्कर वीजा का स्टेप्स एंड टाइमलाइन क्या है। एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देती है जो कि 1-2 दिन लगते हैं जनरेट करने पे, और उस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप को लेकर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो और अटेंड करते हो अपॉइंटमेंट इन योर होम कंट्री। और एक ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट होता है जो आपको लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम इस वीजा का 3 वीक्स है, और प्रायोरिटी प्रोसेसिंग टाइम 5 वर्किंग डे है, जो कि आई थिंक आजकल बंद है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और एक सुपर प्रायोरिटी प्रोसेसिंग भी था जो कि 1-2 डेज का था, जो कि अब बंद हो गया शायद।
करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको वीजा रिलेटेड कुछ क्वेरी करने हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट।